देश की आजादी के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर मनपा स्कूल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने के लिए चलाए जा रहे सुपर 75 अभियान का आज शहर के टाउन हॉल में महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों इस अभियान का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर दर्जनों विद्यार्थी और अध्यापकगण मौजूद थे। मनपा स्कूल के 8वीं कक्षा के तकरीबन विद्यार्थियों की एजुकेशन की टेस्ट की गई, जिसमें से 75 विद्यार्थियों को चयन किया है। इसमें से 25 विद्यार्थियों को JEE, 25 नेशनल डिफेंस एकेडमी और 25 नीट में है। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में इन विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाने वाली है। इसमें से कुछ विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर या डिफेंस में जा सकते हैं। मनपा की 131 स्कूल है, इन स्कूल में से विद्यार्थियों का चयन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इस मौके पर शिक्षण सभापति दिलीप दिवे इन्होंने जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, देश की आजादी के 75 स्थापना दिवस के इस अवसर पर मनपा के 131 स्कूल के विद्यार्थियों का सुपर 75 का चयन हुआ है और ये जो बच्चे हैं देश की समाज की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने वाले हैं। इस समय में हमारे साथ में दिलीप दिवे जो कि शिक्षण सभापति है, आइए उनसे जानना चाहते हैं। दिवे जी, ये बताइए कि कितना महत्वपूर्ण ये अभियान है। ये अभियान सबसे महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के 75 साल अभी आने वाले 15 अगस्त को कंप्लीट होने वाले हैं और ये 75 साल के उपलक्ष में महानगर पालिका की तरफ से पूरे साल भर में अलग अलग उपक्रम हम लोग करने वाले हैं। उसमें से जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, और ऐसे बच्चों को जब डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सेना में अधिकारी बनना है, ऐसे बच्चों के पास जो फी जो प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस जो होते हैं उसमें पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ऐसे जो गरीब बच्चे हैं इनके ऐसे 75 बच्चे हमने महानगर पालिका की चुने हैं। 8वीं कक्षा के ये बच्चे हैं, इनकी हमने एग्ज़ाम ली है और एग्ज़ाम लेके 75 बच्चों के हमने नाम निकाले हैं। नागपुर के जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है इनसे हमारी मीटिंग हुई है, वो सब लोग इनको फ्री ऑफ चार्ज में पढ़ाने के लिए तैयार है और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट हमारे महापौर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, सपने भी सच होते हैं बशर्ते उसे करना जरूरी है, सपने देखना भी चाहिए और इसी प्रकार का ये सपना साकार होने जा रहा है। इस समय में हमारे साथ में महापौर दयाशंकर तिवारी है, उनसे जानना चाहेंगे। तिवारी जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से ये जो अभियान चला जा रहा है अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, कितना इस समाज के बच्चों को फायदा होगा। 7 जनवरी को नागपुर महानगर पालिका के महापौर के पद पर विराजित होने का मुझे सौभाग्य नागपुर शहर की जनता ने दिया और मेरे जो प्रमुख प्रकल्प थे उसमें 75 हॉस्पिटल नागपुर महानगर पालिका सैनिकों की याद में शुरू करेंगे, ऐसा मैंने निर्णय लिया। यह जानकारी मेरे एक मित्र हैं प्रमोद मिश्रा जी, ब्रिगेडियर हैं सेना में, उनको मैंने बताया कि सेना को समर्पित एक प्रकल्प हम करने जा रहे हैं। अनायास उनके मुँह से निकला, वो मेरे विद्यार्थी मित्र हैं, उन्होंने कहा कि दया भाई यह तो ठीक है आप सैनिकों का डेडिकेटेड एक प्रकल्प कर रहे हैं। महानगर पालिका के विद्यार्थियों के दृष्टि से भी जिस प्रकार से आनंद कुमार सुपर 30 करते हैं बिहार में, कुछ एक प्रकल्प आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर सुपर 75 का होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि भाई ये 75 लोगों को एक साथ इंजीनियर बनाना ये तो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने विषय दिया है, आप इस पर डिज़ाइन कीजिए। मैंने महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में मिलकर के जब चर्चा की तो हमने ऐसा निर्णय लिया कि महानगर पालिका के 25 बच्चों को PMT, 25 बच्चों को JEE और 25 बच्चों को NDA के दृष्टि से हम पढ़ाएंगे तो तीनों फैकल्टी में महानगर पालिका का बच्चा जा पाएगा और हर बच्चे का IQ अलग होता है, इसलिए बच्चों की परीक्षा ली जाए, परीक्षा के बाद IQ टेस्ट किया जाए और IQ के अनुरूप उसको इंजीनियरिंग, मेडिकल और साथ ही साथ में सेना के दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाए। यह विषय मन में आने के बाद अनायास, ऐसा कहते हैं ना कि अगर सत्य संकल्प हो तो ईश्वर आपका साथ देता है, 9 तारीख को हमने यह बात रखी और 17 तारीख को नागपुर शहर के ट्यूशन ओनर एसोसिएशन के सब पदाधिकारी ट्यूशन क्लासेस शुरू करने के लिए मिलने के लिए आए। मैंने उनके समक्ष विषय रखा कि महानगर पालिका की ऐसी इच्छा है कि महानगर पालिका के गरीब बच्चों को 75 बच्चों को JEE, PMT और NDA की दृष्टि से तैयार करें और इसमें निःशुल्क इनका शिक्षण देने के लिए प्रोफेशनल कोचिंग इनकी होना नितांत आवश्यक है, तो आपके सहयोग की अपेक्षा है। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा नागपुर शहर के ट्यूशन क्लासेस एसोसिएशन का, आदरणीय बोंद्रे जी का, उनके समस्त टीम जी का, कि उन्होंने निर्णय लेकर के कहा कि भाई हम ये बच्चों को पढ़ाने के लिए तुरंत तैयार है। हाल ही के दिनों में मनपा के शिक्षा को लेकर लोगों में कुछ गलतफहमी थी, लेकिन मनपा ने अब अपना जो दायरा है अच्छा बढ़ाया है, शिक्षा का
स्तर बढ़ा है, जिसके चलते कई अभिभावक भी खुश है, विद्यार्थी भी खुश है, क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब वो समय आ गया है, चाहे झुग्गी झोपड़ी का हो या महलों में रहने वाला हो, हर विद्यार्थी शिक्षा अच्छी ग्रहण करेगा और इस देश के, इस समाज के कामकाज आएगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई देश के सेवा में कामकाज करेगा और इसका जो पूरा क्रेडिट जो जाता है मनपा प्रशासन और यहाँ के जो अरेंजर्स लोग हैं उनके लिए जाता है। और बच्चों का संवर्धन जब होता है तो देश भी मजबूत होता है। महापौर के चैम्बर से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।